CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी शिरीष कुमार। बच्चों, भारत वीरों की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। इन वीरों में कई तो काफी छोटी उम्र में शहीद हो गए। वो अंग्रेजों के अत्याचारों से भयभीत नहीं हुए, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करते हुए उन्होंने अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक वीर बालक थे शिरीष कुमार मेहता। और बेटा शिरीष, वो दोनों तरफ से घिर चुका था। उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, लड़ो या मरो, और उसने रास्ता चुना लड़ने का। क्योंकि वो हिम्मती था, बहादुर था। उसने अपने शत्रुओं को ललकारा और 5 में से 2 की अपने हथियार से हत्या भी कर दी। लेकिन जब वो तीसरे को मजा चखाने की कोशिश कर रहा था, तभी आगे माँ, आगे बताओ ना, क्या हुआ? तभी अरे, तू तो जाग रहा है, मैं समझी सो गया। तभी पीठ पर कटार से वार करके उसके एक शत्रु ने उसकी जान ले ली। क्या, पीठ पर वार? बिल्कुल कायर रहा होगा कोई। अच्छा, आगे बताओ ना माँ, क्या हुआ? बस, अब आगे की कहानी कल। क्यों? अभी तुम सो जाओ, बहुत रात हो रही है, लंबी कहानी है ना। ठीक है माँ, सोता हूँ मैं। शिरीष का जन्म 28 दिसंबर 1926 को महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार कस्बे में हुआ था। इनके पिता एक लोकप्रिय गुजराती व्यापारी थे। शिरीष अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनकी माता शिरीष को बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनाती थीं। इसलिए शिरीष के मन में भी देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी थी। बच्चों, ये वो समय था जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! शिरीष मुख्य रूप से नेताजी सुभाष बाबू से बहुत प्रभावित थे। विशेषकर अंग्रेजों को चकमा देने की नेताजी की रणनीति ने शिरीष के मन पर गहरा असर डाला था। शिरीष ने महज 12 साल की उम्र से तिरंगा उठाकर अपने दादाजी के साथ आजादी के आंदोलन में शामिल होना शुरू कर दिया था। उसमें एक अलग ही जज्बा और जुनून था। 1942 आते आते गांधी जी के आह्वान पर उस क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी जिसका नाम था भारत छोड़ो। इन अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अंग्रेजों, भारत छोड़ो! अंग्रेजों, भारत छोड़ो! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बात है 9 सितंबर 1942 की। नंदुरबार में छात्र छात्राओं का एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व कर रहे थे 15 साल के वीर सेनानी शिरीष कुमार। वो अपनी मातृभाषा गुजराती और हिंदी में नारे लगा रहे थे। नमशे नहीं, नमशे नहीं, भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, भारत का झंडा, वंदे
मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। जब रैली शहर के बीचों बीच मानक चौक पहुंच गई तब एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने रैली पर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया। कायर है ये अंग्रेज अफसर, हम जैसे नियुक्ति बच्चों पर भी लाठी डंडे चलवा रहा है। हम तो कोई हिंसा नहीं कर रहे। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसे लोगों को हमारा देश छोड़ नहीं होगा, छोड़ नहीं होगा, छोड़ नहीं होगा। इसी बीच वो अंग्रेज अफसर अचानक गुस्से में आ गया और सारे उसूल भूलकर उसने जुलूस में शामिल कुछ छात्राओं की तरफ अपनी बंदूक तान दी। ए बच्चो, ए चुप, लाठी चार्ज करो बच्चों को। ऐसे में उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए शिरीष कुमार। अगर तुम्हें गोली मारनी है तो पहले मुझे मारो, मैं इनका लीडर, ये सब के सब मेरे ही साथी हैं। नमशे नहीं, नमशे नहीं, भारत ध्वज। नमशे नहीं, नमशे नहीं, भारत ध्वज। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन सर फिरे अंग्रेज अफसर पर तो जैसे खून सवार था, वो और दिल में आ गया और अचानक उसने शिरीष के सीने में एक साथ तीन गोलियां दाग दी। लेकिन बात इतनी सी नहीं थी। इस दौरान शिरीष के साथ जुलूस में शामिल रहे धनसुख लाल गोवर्धन दास, शशिधर केतकर, घनश्याम गुलाब दास और लाल दास बुलाकी दास भी अंग्रेज सिपाहियों की गोलियों से शहीद हो गए। स्वतंत्रता संग्राम के इन बाल बलिदानियों को हमारा शत शत नमन। साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी शिरीष कुमार। आप ऐसे और भी बाल क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मालूम कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जानकारी इकट्ठा कीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और कौन कौन से आंदोलन चलाए गए। और हाँ, आप इस कार्यक्रम का कक्षा में नाट्य मंचन भी कर सकते हैं। कलाकार अश्विनी वालिया, कीमती आनंद, सुनील लोहिया, परवेज गौहर, शमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, आकाश आहूजा और मुइनुल हसन नियाजी। आलेख विजय शर्मा। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगडिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।